कोमल टोंडक है, मैं अगेन एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम जर्नल इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस होने वाली है वो है जो भी कैंडिडेट DSSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इन सब टीचिंग एग्जाम में जर्नल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज़ मच नियरेस्ट टू द गिवन वर्ड। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है और फिर हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है कि वो उसके कौन सा सिमिलर है। तो देखिए, परसुएड करना मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए तैयार करना, राजी कर देना। तो हमें ऑप्शन दिया फॉलो, प्रोवाइड, कन्वेंस या आर्ग्यू। तो देखिए, हमारा जो इसका प्रस्यूड का राइट आंसर जाएगा वो है कन्वेंस। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्लैमिटी। तो देखिए, क्लैमिटी होता है जो कोई अनचाही घटना घटित हो जाती है, तो स्वीट, कन्फ्यूजिंग, डिजास्टर या ब्लेम। तो देखिए, क्लैमिटी हमारा लिंक करता है डिजास्टर से, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज अपोजिट वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया है और चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है उसका अपोजिट, एंटोनियम वी कैन से। तो देखिए, इल्यूजन दिया है, तो इल्यूजन का अपोजिट क्या होगा, इज इट रियलिटी, एग्जीक्यूट, शियर। तो देखिए, हमारा जो इसका अपोजिट जाएगा, इल्यूजन होता है किसी भ्रम में जीना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना बेसिकली। तो हमारा इसका अपोजिट होगा रियलिटी, मतलब सच्ची घटना कुछ हो हमारे सामने। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज पोजेस। देखिए, पोजेस का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास होना, जैसे कि किसी का हमारा पोजेशन होना, कोई नया घर, कोई बुक हो गई, कोई पेंसिल हो गई। तो देखिए, पोजेस का अब हमें अपोजिट बताना, इज इट रिलीज मतलब बरी कर देना, गिव अप मतलब छोड़ देना, अवेंज या फिर सॉलिडिफाई। तो देखिए, पोजेस का अपोजिट जाएगा गिव अप, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जो ब्लैंक है हमें चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उससे फिल करना है। तो आवर क्वेश्चन इज द न्यूज़ इज़ डैश टू बी ट्रू। तो देखिए, जो खबर है वो मतलब सच्ची है, तो क्या है देखिए आएगा, टू बी गुड, टू गुड या फिर टू बी गुड या टू गुड। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए, यहाँ पे टू गुड आएगा या टू गुड आएगा, तो इज इट विल बी टू गुड, तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ टू हार्ड टू डैश दैट ही डिड सच अ डीड। तो देखिए, मतलब ये बहुत मुश्किल है मतलब डैश कि उसने ऐसा काम किया। तो देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, बिलीव, वंडर, फॉलो या आर्ग्यू। तो देखिए, ये बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि उसने कुछ ऐसा काम किया, तो बिलीव आएगा हमारा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस। तो देखिए, हमें यहाँ पे फ्रेज दिया है और उसके साथ साथ हमें चार ऑप्शन दिए, तो हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। विज़र्विज, तो विज़र्विज का मीनिंग क्या होगा, इज इट इन कॉन्ट्रास्ट, सिमिलर टू, फेस टू फेस विद या टॉलेस्ट। तो देखिए, विज़र्विज हमारा होता है फेस टू फेस विद, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज हमें फ्रेज दिया है द लॉन्ग रोप। तो हमें लॉन्ग रोप का करेक्ट मीनिंग बताना है, इज इट अननेसेसरी लिबर्टी, अनड्यू रिस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी टॉर्चर या नन ऑफ दीज। तो देखिए, हमारा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अननेसेसरी लिबर्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला हमें सवर्निटी दिया है, तो देखिए हमारे जो चारों ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर दिया है, तो देखिए एंटरप्रेन्योर का अगर हम क्लोजली एग्जामिन करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट जा रहा है। देन नेक्स्ट हमें डिसीव दिया है, तो हमें चार ऑप्शन दिए, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो चार में से सी हमारे डिसीव की स्पेलिंग ठीक है। देन नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिए, चारों अलग अलग दिए, मशीनरी, मिराकुलस, मोनोपोली या हीनियस। तो देखिए, मोनोपोली ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज हमें देखिए बताना है टू एक्सीड का मीन क्या होता है।
टू एग्री, टू डिसएग्री, टू बी ग्रेट या फिर टू एक्सेप्ट. तो देखिए टू एक्सीड का मीनिंग होता है टू एग्री, किसी चीज़ की हमें सहमति देना. तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर. देन नेक्स्ट है टू असैसिनेट. तो असैसिनेट का मीनिंग क्या होता है, टू मर्डर, टू किल, टू क्राइम या फिर टू एक्सेप्ट. तो टू मर्डर होगा हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. तो देखिए हमें दो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें प्रपोजिशन फिल करनी है. तो हमारा पहला है ही वॉज एबसेंट डैश हिज ऑफिस यस्टरडे, मतलब वो अपनी ऑफिस से कल एबसेंट था. तो ऑफ आएगा, इन आएगा, फ्रॉम. तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, फ्रॉम आएगा. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ही इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट. तो देखिए टू ऑफ एट या फोर, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक इट. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन.